हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। हाय 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 हाय, ब्रेक एकदम बढ़िया काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा कार कैसे उठी हुई आगे से, देखा तो क्रेन उठा रही है। तो फिलहाल ये है कि हमने इसमें डलवाए हैं पाँच, इस बाइक में डलवा दी मैंने पाँच क्लच प्लेटें, जिसकी वजह से गाड़ी अब पहले से ज़्यादा स्मूथ चल रही है और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पावर सी फील करा रही है। जो बात है इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों, नो शक। फिलहाल जो है मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को ना अपनी गाड़ी के आगे वाला टायर का जो व्हील है ना, मतलब आगे टायर का व्हील, जो बात तो एक ही है यार, व्हील तो अपना अलॉय व्हील आगे का और पीछे दोनों की ना अलाइनमेंट मुझे करानी पड़ेगी बहुत जल्दी, क्योंकि ना व्हीलियाँ मार मार के मैंने जो है ना अपनी गाड़ी की अलाइनमेंट जो थोड़ी सी आउट करवा ली व्हील की, जिसकी वजह से हल्का सा मुझे ऐसा लग रहा है मामला टेढ़ा टेढ़ा हो रहा है, ठीक है ना। फिलहाल पिछली वीडियो को आपने इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच। एंड बाकी आज जो है अभी फ़िलहाल यहाँ से मैं घर जा रहा हूँ, तो मैं सोचा यार घर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ करते चलें आप लोगों के लिए, मोटो व्लॉग करते चलें। तो अभी तो खैर पावर परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए वीडियो मैं अलग लेके आऊँगा, फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए बात करूँ तो देखा आपने पिकअप, इसे बोलते हैं पिकअप। और ये जो है कमाल, इसमें एक तो मैंने ऑयल डलवाया नया, शेल का एडवांस डलवाया है, वो भी फुल्ली सिंथेटिक, ठीक है ना, शेल का एडवांस फुली सिंथेटिक ऑयल डलवाया इसके अंदर। और साथ में मैंने इसके अंदर जो है पाँच किलोमीटर डलवाई हैं, तो उसकी वजह से पिकअप जो है काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। मतलब कि जो पहले मुझे टेक्निक लगानी पड़ती थी वो उठाने के लिए, वो अब कम लगानी पड़ रही है, मतलब कि गाड़ी जो है अपने आप उठ रही है। तो अभी तक तो मैं यही बोलूँगा कि भाई मस्त काम हुआ है। बाकी देखो एकदम से किसी काम को जज नहीं करना चाहिए, तो काम अच्छा हुआ है नो डाउट, बट मैं आने वाली वीडियो में बताऊँगा आपको कि काम कितना ही अच्छा हुआ है और आपको क्यों कराना चाहिए, ठीक है ना। फिलहाल जैसे कि सर जी ने बताया हमारे स्टार्टिंग में कि भाई ये उन वो बंदे करा है जो बाइक को थोड़ा तेज़ चलाना जानते हैं, तेज़ चलाना चाहते हैं, फील्ड में काम करते हैं वो करा लें, या लॉन्ग राइड भी करते हैं वो करा लें, ठीक है ना। बाकी जो नॉर्मल 30-40-50 चलता है तो वो ना कराए, उसके लिए वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि स्प्लेंडर के अंदर चार क्लच प्लेटें आती हैं वो भी इनफ है। क्योंकि आप ये देखो ना, उन्हीं चार क्लच प्लेटों के दम पे हम लद्दाख करके आए, नेपाल गए, स्पीति करा हमने, पूरा राजस्थान करा, और भी ना जाने कितनी राइडें करी जो उन चार क्लच प्लेटों पर हमने करी थी। आज पाँच चल गई हैं, तो पाँच भी अच्छी है, चल रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई मुझे इंजन में से आवाज़ खटपट पटपट की नहीं आ रही, बल्कि मेरे जो क्लच है वो इतना सॉफ्ट हो गया है बहुत ही ज़्यादा, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। बट इसके लिए भी उस्ताद जी ने बोला है मुझे कि बहुत भी ज़्यादा सॉफ्ट अच्छा नहीं होता इसका होना, तो वो बोल रहे हैं कि जो क्लच के अंदर जो स्प्रिंग होती है चार, जब आप खोलोगे तो वो जो स्प्रिंग होती है, वो उस्ताद जी बोल रहे हैं कि वो मैं नहीं डाल दूंगा, तो उससे क्या है थोड़ा सा क्लच के अंदर हल्का सा हार्डनेस आएगा और उसके बाद फिर पिकअप इसका और बढ़ जाएगा। मतलब कि तुम समझ रहे हो, जो हल्की सी रेट पर गाड़ी उठेगी तो कुछ ऐसा कुछ होने वाला है। तो उसके लिए मैं वीडियो जब मैं आऊँगा ये वाला काम कराने, तब मैं अलग से बनाऊँगा वीडियो आप लोगों के लिए। फिलहाल जो है भाई ये वाली वीडियो में तो बस खाली आप जो है मोटो व्लॉग इन्जॉय करो, और बाकी फिर दोबारा बोलूँगा आप लोगों से कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि भाई देखो स्प्लेंडर का ऐसा काम करवाया है जो अभी तक किसी ने नहीं कराया। तो अभी फ़िलहाल मैं ये बोलूँगा कि अपनी पूरी इंडिया की पहली स्प्लेंडर जिसके अंदर पाँच क्लच प्लेटें हैं और पूरी ऐसी बाइक रहने वाली जो फुल्ली मॉडिफाइड भी है टूरिंग के लिए, है ना। क्योंकि मैंने इसको स्ट्रीट मॉडिफाई नहीं कराया, पंजाब वाली मॉडिफाई नहीं कराया जैसे पंजाब में कराते हैं मोटे टायर, ये वो मैंने इसको टूरिंग पर्पज़ के हिसाब से करवा रखा है मॉडिफाइड और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करा रखा है। ये देख रहे हो पिकअप देख रहे हो आप, अल्टीमेट, बहुत बढ़िया, 90, क्या बात है जी, बहुत प्यार से 90 चली गई भाई, 90 क्रॉस भी कर गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो ये ना कि रोड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि देखो छोटी सीसी की बाइक है, इससे ज़्यादा स्पीड पकड़ने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेच ही है और लंबा तब पकड़ेगी है। तो टॉप एंड जो तो इसका है, स्ताजी ने जैसे बताया था टॉप एंड में ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ ये है कि इनिशियल अच्छा हो जाएगा और पिकअप अच्छा हो जाएगा, तो वो चीज़ तो भाई फील करा रही है। अभी जो काम स्प्रिंग वाला जो रह गया जो बताया उस्ताजी ने, वो हम कराएंगे बाद में जब अरेंज हो जाएंगी चीज़ें। फ़िलहाल तो भाई मज़ा आ रहा है भाई चलाने में, आप बताना कॉमेंट सेक्शन में कैसी लग रही है आपको खुशी की पावर परफॉर्मेंस। अभी तो खैर इतनी पता नहीं चल रही होगी आपको, बट व्हीली के हिसाब से तो भाई एक नंबर भाई। क्या बात है भाई, क्या बात है, अल्टीमेट भाई अल्टीमेट, कसम से इनिशियल पंच तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है भाई, जो बात है काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। पूरा दिन हो गया दोस्तों, आज सुबह से निकला हुआ था मैं घर से, पूरा दिन हो गया। इस टाइम पे मेरी हालत ना बस क्या ही बताऊँ तुम्हारे को, बस मैं ही जानता हूँ कि क्या हो रही है अंदर ही अंदर।
फिलहाल हमारे कुणाल भाई जो हैं वो भी आ रखे हैं गुड़गांव से गौरव की शॉप पे, तो डायरेक्ट मैं उनके पास जा रहा हूँ क्योंकि वो कम से कम 2 घंटे से आए हुए हैं और 2 घंटे से मुझे फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, भाई कब आएगा भाई कब आएगा। मैंने कहा आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ डायरेक्ट तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, तो उनसे ही मिल लूँगा। वो अपनी बाइक की बेसिकली टेपिंग कराने आए, मतलब कि गौरव के पास ना टेप लेके आए हैं, वो रैपिंग वैपिंग कुछ कराने लेके आए हैं बेनेली 502X में, ठीक है ना। अब देखो भाई टूर वूर करेंगे, वो भी कोई इस वजह से छोटी मोटी काम कराने लेके आए हैं, छोटा मोटा काम कराने लेके आए हैं, क्योंकि बंदा जब टूर पे आता है तो सोचता है कि यार नहीं कुछ करा लूँ, नया कुछ करा लूँ, नया नया होता है तो इंटरेस्ट तो बना रहता है, मज़ा आता है बाइक चलाने में। नहीं अब जैसे हम गए थे अभी हर्षिल, तो मैं टेप करा के ले गया था, अब टेप कराने के बाद ये फुस्सी हो गई, मतलब गीला हुआ टैंक हमारा पानी की बारिश की वजह से, और उस पर टैंक पर रखवा था रगड़ रगड़ के इसका सारा टेप ख़राब हो गई। बट कोई बात नहीं, फिर हम चेंज करा लेंगे जाने से पहले, बट अभी तो इसमें काम चल रहा है क्लच का, वो तो मैंने करा ही लिया ऑलमोस्ट, बट थोड़ा बहुत रह गया है वो भी हो जाएगा। वैसे 100 में से 100% काम हो गया है, बट मेरे को ना क्या है कि मेरे स्प्रिंग बदलने वाले थे, तो उस्ताद जी ये बोल रहे थे कि तुम्हारे स्प्रिंग ना पहले बदलने वाले हो रहे थे, बट हमने इसमें लगा दिए, तो अभी स्प्रिंग यहाँ पे थे नहीं, इस चक्कर में डाले नहीं है, तो वो स्प्रिंग अरेंज कर देंगे मेरे लिए, फिर जो इसमें लग जाएगा तो और समझ लो काम ओके हो जाएगा। समझ लो आप जब लेके आओगे ना अपनी बाइक, तो आपकी बाइक में तो स्प्रिंग पहले से ओके होंगे, और नहीं होंगे तो नहीं डाल देंगे। भाई क्या परफॉर्मेंस है रे, क्या परफॉर्मेंस है पिकअप का, देख रहे हो हाल, पिकअप चुम्मी हो रहे रे बाबा चुम्मी, मतलब हर बंदा देखेगा ना कहेगा भाई बवाल कर रखा है बवाल। अब मैं बोल सकता हूँ कि मैंने इंजन में कुछ करा रखा है, जैसे बंदे मुझे बोलते ना भाई कुछ करा रखा है इंजन में, मैं बोलता नहीं कुछ नहीं कराया हुआ, कहते मैं अब जो है बोल सकता हूँ कि हाँ भाई काम कराया हुआ, एक वीली हुआ मारते। वीली काफी अच्छी थी भाई, जो बात है अली, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हाल हमारे कुणाल भाई की, टीआर की पूरी छल्ली छल्ली कर दी, क्या हाल है मेरे भाई के, गुड टू सी यू यार आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, कम से कम कितने महीने बाद आए हो, दो तीन ज्यादा। पतले हो गए ना ये, मैं हाँ किस वजह से पतले हुए वो नहीं बताऊंगा मैं, किस वजह से पतले हुए, क्या हाल है भाई, खोल दी गाड़ी उन्होंने, क्या बात है भाई। तो पहले ये चीज़ चेकआउट मारो यार कि पूरी बॉडी लाइन जो है हमने खोल दी है, मतलब हमारी टीम जो है गौरव स्टिकर पॉइंट यहाँ पूरी खोल दी है, इसको पूरे खोल के जो है ना इसके पार्ट्स फिर करेंगे रैप, ताकि जो इसके जो एजेस होते हैं ना वो अंदर आराम से फोल्ड वोल्ड कर लें, उसके हिसाब से करेंगे। बाकी आप देखो जहाज लग रहा है भाई, अल्टीमेट बहुत ज़्यादा जो है ना पिकअप बढ़ चुका है, बट अभी एक दो काम रह गए, जैसे कि मैंने आपको मोटो व्लॉग के दरमियान बताया कि मेरे को स्प्रिंग वगैरह चेंज कराने हैं, बट वही है कि अभी फिलहाल इतना तगड़ा पिकअप हो गया है, तो भाई मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंड है, बट अभी रुक जाओ थोड़े दिनों बाद ये वाला काम कराना, मतलब कि जब मैं बाइक को आराम से 200-300 किलोमीटर चला लूंगा तब मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर फीडबैक, ऑयल को भी चेक करूंगा कि भाई इंजन में कोई वाइब्रेशन तो नहीं आ रही, कोई इंजन बहुत ज्यादा हीट तो नहीं हो रहा, आवाज़ तो नहीं बदल रही इंजन की, कैसा परफॉर्म कर रहा, सब चीज आपको बताने वाला हूं आने वाली वीडियोस में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक कर लो यार, क्योंकि भाई देखो आपके सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलती है, कमेंट से मिलता है हौसला वीडियो बनाने का, और बाकी लाइक करते तो दिल खुश हो जाता है, मेहनत वसूल हो जाती है, तो लाइक भी करें कमेंट भी करें शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है ना। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करें खुश रहें, बाय बाय। और हाँ आपको ये बताऊं जाने से पहले, ओखला में दुकान रहने वाली है उस्ताद जी की, और जो है अपना मधुर बजाज है हीरो का शोरूम है, टीवीएस का शोरूम है, वहीं उसी के इर्द गिर्द जो है आपको मिल जाएगी, बाकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको सारा का सारा पंचनामा, उनका एड्रेस वेड्रेस जो भी है एक्सपायर्ड वो मिल जाएगा, नंबर भी है, वहाँ जाओ कॉल वॉल करो और जो है अपनी बाइक की सर्विस कराओ। एक बार सर्विस कराओगे, एक बार सर्विस कराने में ना आपकी बाइक खराब होने वाली, ना आप लुटने वाले हो, ना कुछ होने वाला है, एक बार उनको सेवा का मौका दो, जो भाई ठोक बजाए काम कर रहे हैं बढ़िया वाला, तो एक बार सर्विस कराओ मेरे कहने से, रिकमेंडेड मैं आपको कर रहा हूँ, और जो है जाओ फटाफट से काम कराओ, और बाकी मुझे बताना फीडबैक कि भाई कैसा रिस्पांस आया सर्विस कराने के बाद या इंजन कराने के बाद जो भी है, और सबसे मेन है कि ओरिजिनल पार्ट डलवाना, आप अपने सामने कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बगल में ही सर्विस सेंटर है वहीं पर जाके वो बोल देंगे भैया तुम्हारी गाड़ी क्लच प्लेट खराब है, ओके जी क्लच प्लेट जाके खरीद के खुद ला के दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उनके पास भी होती है तुम खुद ला के दे दो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम उनसे ही सामान लो, आप उनसे सामान मतलब कंपनी से सामान लाओ उनसे फिट करवाओ, बात ही खत्म हो जाती है, इसमें कोई सीन ही नहीं है कि भैया कि लोकल डाल दिया ये कर दिया वो कर दिया, ना अपने आप कराओ जो कराना है अपने अपने हिसाब से अपनी सूझबूझ से, बट काम अच्छा करते हैं इस वजह से रिकमेंड कर रहा हूँ। इंजन ऑयल मोटूल भी अवेलेबल है, शेल भी है और मोबिल भी है, बट मुद्दा ये है कि भाई मैंने मोटूल से स्विच किया है उसमें शेल में,
तो बेसिकली मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई वाकई में शेल कारगर है या नहीं, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है ना कि एक ही चीज मार्केट में बढ़िया आ रही है, और भी चीज बढ़िया बढ़िया आ रही है ना। अब होंडा के भी इंजन होते हैं अच्छे, और हीरो के भी होते हैं, बजाज के भी होते हैं, एक ही बाइक को रगड़ता रहूँ वो थोड़ी बदलना चाहिए ना, तो इसलिए हमने शेल एडवांस डाला है फुल्ली सिंथेटिक। बाकी देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है, कैसा नहीं, अच्छा चलेगा तो डालेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं बाबा, चलता ये गाड़ी मोटर से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चलो बाबा भाई।